साल की शुरुआत में ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान के बाद बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान एक बार फिर से धूम मचाने आ गए हैं। उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म जवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। जब से फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है तब से फैंस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिल्म के प्रति लोगों की दीवानगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिलीज के पहले दिन फिल्म का लगभग हर शो हाउसफुल चल रहा है। लोग सिनेमाघरों के अंदर फिल्म के गानों पर जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं। एटली कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म जवान में शाहरुख खान, नयनतारा और विजय सेतुपति मुख्य किरदार में हैं, जबकि प्रियामणि, सान्या, रिद्धि डोगरा और सुनील ग्रोवर भी इस फिल्म में अहम किरदार में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दीपिका पादुकोण और संजय दत्त इस फिल्म में कैमियो करते नजर आ रहे हैं। इस फिल्म को हिंदी के साथ साथ तेलुगु और तमिल भाषा में भी रिलीज किया गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं पहले दिन फिल्म की एडवांस बुकिंग कैसी रही। फिल्म की एडवांस बुकिंग की बात करें तो सिर्फ नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन में 2.5 लाख से ज्यादा टिकट बुक किए गए थे, जिसमें पीवीआर में 1,12,299 टिकट और आईनॉक्स में 75,661 और सिनेपोलिस में 40,577 टिकट बुक किए गए थे। इसमें सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग दिल्ली एनसीआर में हुई थी। पूरे भारत की बात करें तो पहले दिन फिल्म जवान की एडवांस बुकिंग 5 लाख से ज्यादा रही। अब बात करेंगे दोस्तों कि फिल्म जवान कितनी स्क्रीन पर रिलीज हुई है। शाहरुख खान एक ऐसे एक्टर हैं जिनके फैन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में हैं। ऐसे में जब 7 सितंबर को उनकी फिल्म जवान रिलीज हुई तो सिनेमाघरों में भारी भीड़ देखने को मिली। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म जवान भारत में करीब 5,500 स्क्रीन पर रिलीज हुई, जबकि ओवरसीज में करीब 4,500 स्क्रीन पर रिलीज हुई। इस तरह यह फिल्म दुनिया भर में 10,000 स्क्रीन पर रिलीज हुई। इससे पहले शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान भारत में 5,000 स्क्रीन और ओवरसीज में 2,700 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। इससे एक बात तो साफ है कि फिल्म जवान कमाई के मामले में पठान को भी पीछे छोड़ सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों फिल्म जवान कितने घंटे की फिल्म है। अक्सर फैंस अपने पसंदीदा स्टार्स को बड़े पर्दे पर ज्यादा से ज्यादा समय के लिए देखना चाहते हैं। शाहरुख खान की फिल्म जवान में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। डबल रोल में नजर आने के साथ ही फिल्म की कुल समय अवधि 2 hours 49 minutes है। सेंसर बोर्ड द्वारा इस फिल्म को UA सर्टिफिकेट दिया गया है, जिससे हर उम्र के लोग इस फिल्म को देख सकते हैं। आखिर क्या खास है फिल्म जवान में? शाहरुख खान की फिल्म जवान हर मायने में खास है। इस फिल्म में शाहरुख खान कई अलग अलग लुक्स और किरदारों में नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें इनके बॉल लुक की काफी चर्चा हो रही है क्योंकि वह अपने फिल्मी करियर में पहली बार बॉल लुक में नजर आए हैं। इसके अलावा ये फिल्म एक्शन और सीक्वेंस से भी भरपूर है। इस फिल्म में शाहरुख खान अपने फिल्मी करियर में पहली बार साउथ इंडस्ट्री की सुपरस्टार अभिनेत्री नयनतारा के साथ रोमांस करते नजर आए हैं। फिल्म में दोनों को एक साथ देखकर फैंस भी काफी खुश हैं। इसके अलावा इस फिल्म में विजय सेतुपति विलन के किरदार में नजर आए हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि फिल्म जवान के लिए शुरू हुआ स्पेशल शो। शाहरुख की फिल्म जवान का क्रेज फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म की बम्पर एडवांस बुकिंग को देखते हुए देश के कई राज्यों में मॉर्निंग शो और लेट नाइट शो भी शुरू किए गए हैं। जहां मुंबई के गेटी सिनेमा हॉल में मॉर्निंग शो सुबह 6 बजे शुरू हुआ, वहीं बंगाल के रायगंज में लेट नाइट शो 2:15 शुरू हुआ। कई जगहों पर स्क्रीनिंग सुबह 5 बजे के लिए निर्धारित की गई है तो कई जगह पर स्क्रीनिंग सुबह 7 बजे शुरू हो रही है। मॉर्निंग शो के लिए अंधेरा खत्म होने से पहले ही लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। इस तरह इस फिल्म के शो सिनेमाघरों में 24 घंटे चलेंगे। दर्शक अभी से ही फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान जहां डबल रोल में नजर आ रहे हैं, वहीं यह फिल्म एक्शन से भरपूर है, लेकिन इसके साथ ही फिल्म में कई गंभीर मुद्दों को भी उठाया गया है, जैसे किसानों की आत्महत्या की समस्या और देश में मेडिकल सेक्टर की खराब हालत की समस्या। शाहरुख खान की एंट्री, बैकग्राउंड म्यूजिक और शाहरुख का अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। फिल्म को देखकर सिनेमाघरों से बाहर आ रहे दर्शक जहां फिल्म की खूब तारीफ कर रहे हैं, वहीं लोग इस फिल्म को अभी से ही ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। उम्मीद की जा रही है दोस्तों कि फिल्म जवान पहले दिन वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपए की ओपनिंग कर सकती है। पहले दिन भारत में फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 75 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप भी फिल्म जवान देख चुके हैं तो अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।